हरियाणा में तीज पर्व पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम को लेकर जगह जगह धूम देखी जा रही है। वहीं यमुनानगर में भी महिलाओं ने तीज कार्यक्रम को लेकर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने विभिन्न प्रस्तुति की है। वहीं यमुनानगर में सखी संस्थान द्वारा तीज हाट का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की है। वहीं महिलाओं द्वारा आयोजित कैंप की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सखी संस्थान के संस्थापक और हरियाणा राज्य कल्याण वार्ड के चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद को सफल कार्यक्रम की बधाई दी है। तीज का कार्यक्रम आज 15वां कार्यक्रम है और ये सखी एक छोटी सी आशा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और उनको रिस्पेक्ट वुमेन टू प्रोटेक्ट वुमेन, सक्षम महिला सुरक्षित महिला, महिलाओं के अंदर जो प्रतिभा है तो सखी एक माइके का काम करती है, उनमें जो प्रतिभा है तो वो हम एक महीना पहले सखी टैलेंट हंट प्रोग्राम किया करते हैं और उसमें जो भी महिलाएं हैं जो प्रोफेशनल नहीं हैं वो अपना जो भी उनके अंदर प्रतिभा है उसका वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं और जिनको फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको इस स्टेज पर उनको हम लोग अवार्ड करते हैं। इसके साथ साथ हम महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मशीनें देते हैं। आज हमने 135 मशीनें जो है आवंटित की है, कुछ ऐसी NGO को भी करी है, ऐसी मशीनें उन लोगों को दी है जो कुछ काम करना चाहती हैं। साथ में हम लोग ब्यूटी किट्स भी दे रहे हैं।